नमस्कार दोस्तों, हार्मोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। आज का ये एक वीडियो सिर्फ काफ़ी है आपको बैंजो सिखाने के लिए, समझाने के लिए। जो इंसान इस वीडियो को देख के मेरी एक एक बात को समझ गया, उसके लिए बैंजो सीखना कुछ मुश्किल नहीं है, एक चुटकी का खेल है। क्योंकि जब तक आपको बैंजो का मेन कीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, तब तक आप बैंजो बजाना नहीं सीख सकते। अक्सर मेरे भाई जो कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, इसके बटन्स को देख के कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम शायद हारमोनियम जैसे बटन है, जैसे हारमोनियम के बटन है, वैसा बैंजो बना ले, क्योंकि ये बटन्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको ज़िंदगी में कभी भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि भले इस टाइप का बैंजो, भले इस टाइप का बैंजो, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अभी आपको यहाँ पे मेरे बैंजो के पूरे कीज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हारमोनियम के भी पूरे कीज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोग हारमोनियम को तो सभी जानते हैं ना। हम हारमोनियम यहाँ से शुरू करते हैं, मध्य सप्तक की पहली काली से, है ना। बीच में हम इसलिए शुरू करते हैं ताकि कोई भी गाना जब हम बजाते हैं तो नीचे भी जा सके, उतना ही हम ऊपर जा सके। ठीक है, अगर हम गाना यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारे पास नीचे जाने के स्वर नहीं है, ऊपर ही जा सकते, तो इसलिए हम मिडिल से शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्लियर है। लेकिन बैंजो में क्या होता है, बैंजो में हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ से बजा सकते हो, यहाँ से बजा सकते हो, यहाँ से बजा, वो आपकी इच्छा। लेकिन बैंजो में भी यही फंडा सेम वही है, हम मिडिल से शुरू करेंगे। मिडिल से शुरू करेंगे तभी अपन ऊपर जा सकते हैं, तभी हम नीचे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है कि मिडिल से तो शुरू करना है, सारे बटन एक जैसे, तो शुरू कहाँ से करना है ना, सवाल ये आता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक बैंजो में ये रूल है, ये मेरे पास टोटल 29 बटन वाला बैंजो है। ठीक है जी, किसी के पास 27 बटन वाला बैंजो भी हो सकता है, किसी के पास 29 बटन वाला बैंजो भी हो सकता है, और किसी के पास 31 बटन वाला भी बैंजो हो सकता है। तीन तरीके के बैंजो आते हैं, 27 बटन, 29 बटन और 31 बटन, ये है 29 बटन वाला बैंजो। तो क्या करना है, हम गिन के क्या करेंगे, गिन के हम 5 बटन छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। भले ही आपके पास 27 बटन वाला बैंजो है, भले ही आपके पास 29 बटन वाला बैंजो है, गिन के हम 5 बटन छोड़ देंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। जो छठा बटन है हमारे बैंजो का, ये हमारे बैंजो का सा है, हम यहां से शुरू करते हैं। जैसे हम यहां से शुरू करते हैं ना मध्य का, ये पहला काला, तो समझ लीजिए ये बैंजो का आपका पहला काला है। ठीक है जी, ये सा है और ये भी सा है, उसके बाद ये कोमल रे है, ये भी कोमल रे है, उसके बाद ये शुद्ध रे है और ये भी शुद्ध रे है, ये कोमल गा है, ये भी कोमल गा है, ये शुद्ध गा है, शुद्ध गा है, उसके बाद ये माँ है, ये भी माँ है, ये तीव्र माँ है, ये तीव्र माँ है, पा है, ये पा है, ये कोमल धा है, ये कोमल धा है, ये शुद्ध धा है, ये शुद्ध धा है, ये कोमल नी है, ये कोमल नी है, ये शुद्ध नी है, ये शुद्ध नी है, और ये तार सप्तक का सा, यहाँ पे ये तार सप्तक, मतलब कि सारा फंडामेंटल सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सा के बाद रे नीचे है, कोमल रे यहाँ पे है, फिर शुद्ध रे आता, तो यहाँ पे देखिए ये सा है और ये कोमल रे है, ये शुद्ध रे है, फिर शुद्ध रे के बाद कोमल रे नीचे है, तो यहाँ पे ये देखिए ये कोमल गा नीचे है, फिर कोमल गा के बाद जस्ट बाद शुद्ध गा है, तो देखिए ये कोमल गा के बाद जस्ट शुद्ध गा है। ठीक है जी, उसके बाद ये शुद्ध माँ है, ये शुद्ध माँ है, और शुद्ध माँ के बाद तीव्र माँ है, तो ये तीव्र माँ है, तीव्र माँ के बाद पा है, तो ये आपका पा पड़ा। तो फंडामेंटल सेम ही है, जैसे आप यहाँ से बजाते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सेम वैसे ही अगर यहाँ पे बजाएं तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही सारे गांव बजने, सा रे गा मा पा धा नी सा, सेम ही है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, मैं हारमोनियम सामने लेके इसीलिए बैठा हूँ ताकि आपको इसको एकदम कंपैरिजन करके बताऊँ और आपके लिए समझना इजी हो जाए और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे गांव पा धा सा, वही गिन के मैंने 5 बटन छोड़ दिए, यहाँ से हम शुरू करें, यानी कि हारमोनियम का मध्य सप्तक, और अगर बैंजो के 5 बटन छोड़ के शुरू करें तो यहाँ से आपका मध्य सप्तक शुरू होता है। तो देखिए कैसे है, बड़ा सिंपल है ना। तो इस चीज को प्रैक्टिस करिए, इसी चीज को समझिए, जब ये चीज समझ में आ गई ना तो बैंजो में कोई भी चीज चाहे कहीं से भी हो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अभी आपको पता चल गया ये सा है, इसके पीछे जैसे ये सा है, इसके पीछे ये मंद्र सप्तक का नहीं है, मंद्र सप्तक का कोमल नहीं है, तो ये सा है, मंद्र सप्तक का शुद्ध नहीं हो गया, मंद्र सप्तक का कोमल नहीं हो गया, और उसके बाद ये शुद्ध धा है, ये मंद्र सप्तक का शुद्ध धा है, उसके बाद ये कोमल धा है, ये कोमल धा है, और उसके बाद ये पा है और ये पा है, मतलब कि नीचे बैंजो सिर्फ पा तक ही जाता है। ठीक है, लेकिन हारमोनियम में और भी स्वर होते हैं, बस यही फर्क है, ऊपर तो इसमें एक्स्ट्रा स्वर है ही, जैसे हमारे हारमोनियम में है। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको काफ़ी है बैंजो के कीज को डिफरेंस।
तो पहली चीज़ यही है कि आपको शुरू कहाँ से करना है। तो जैसे मैंने बता दिया कि पांच बटन छोड़ के छठे बटन को सा मान लीजिए, तो यहाँ से जैसे आपके हारमोनियम में सारे गा पाते हैं, जैसे बजता है सा रे गा मा पा धा नी सा, जितने बटन आप हारमोनियम में छोड़ के बजा रहे उतने ही बटन आपको बैंजो में आँख बंद करके भी बजाएंगे तो सही बजेगा। देखिए जी, उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अगर आप बैंजो खरीदना चाहते हैं, बैंजो सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बैंजो बनाते भी हैं और बैंजो सिखाते भी हैं। सो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया।